गुज़िश्ता दिनों ये बात सामने आई थी कि जनता दल सेकुलर की जानिब से सहारा हॉस्पिटल की जिम्मेदारी लेकर वहाँ कोरोना से मुतालिक आप लोग रिफाई काम करेंगे, वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा? हमने दो कमेटी बनाई है, एक साथी निहाल अहमद रिलीफ कमेटी, एक बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्प कमेटी। तो बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्प कमेटी की तरफ से हम कारपोरेशन से और जो हॉस्पिटलों के मालिक हैं, क्योंकि जो हालात शहर में हो गए हैं, दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और इंतजामिया या कारपोरेशन ये पूरी तरह तैयारी से नहीं है, तो ऐसे हालात में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, शहर हमारा है। इसलिए हमने ये सोचा कि यार, हमने कुछ डॉक्टरों से बातचीत की और ये तय हुआ कि यार एक हॉस्पिटल हम खुद ले लें। मगर ऐसा है कि कोविड का हॉस्पिटल कोई भी शुरू करने से पहले वो कारपोरेशन या इंतजामिया उसको हायर करी है और जब तक वो इजाज़त नहीं देती उस वक्त तक उसको शुरू नहीं किया जा सकता। तो हमने ऑफिशियली कमिश्नर को लेटर दिया, मगर कमिश्नर की अदली बदली का मामला चलने की वजह से कापाणी साहब डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने कहा कि यार मुझे डायरेक्ट लेटर दो। हमने उनको भी लेटर दिया, पंकज असिया साहब को भी लेटर दिया, जिसको 5-6 रोज हो गए, मगर उसमें टाल मटोल की ही पॉलिसी आई। जबकि हमने उनको कहा कि हम डॉक्टर की टीम भी हमारी होंगी, उसमें जो फंडिंग लगेंगी वो भी हम करने वाले हैं, तो आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मगर उनकी कुछ दुश्वारियां हैं जो ऑफिशियल तो नहीं बता पा रहे, मगर जब भी वो प्रोसीजर चालू है, हमने लेटर दिया, उन्होंने हमसे कुछ डाटा मांगा डॉक्टरों का, हमने वो डाटा भी उनको दिया, ये डॉक्टर्स रहेंगे वहाँ पर। इंतजामिया उससे खुश भी हुई, मगर पूरी तरीके से अभी तक हमको इजाज़त नहीं मिली। कल उस ताल्लुक से हमारी फिर मीटिंग है, क्योंकि नए कमिश्नर आने के बाद कल हम शाम में उनसे जब मिले तो उन्होंने कहा कि यार मुझे 2 दिन हुआ है, कुछ काम काज करना है, तो अपने सैटरडे को बैठेंगे, ऐसा उन्होंने कल शाम में कहा। तो उस ताल्लुक से हम कल बैठने वाले हैं और हमारी यही ख्वाहिश है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि शहर की सब पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने ऐसे हंगामी हालात में, इमरजेंसी हालात में सबों ने एक एक हॉस्पिटल गोद लेके खुद से चालू करना चाहिए, ताकि कोई एक दूसरे के काम काज में टांग ना अड़ाए। इसमें कोई हमारा मकसद हवाई लूटने का नहीं है। आज मालेगांव शहर हर वक्त बहुत बुरे बुरे हालात से गुजरा, फसाद से गुजरा, बम ब्लास्ट से गुजरा, मगर वो निकल गया। मगर आज जो हालात दिख रहे हैं, मालेगांव शहर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बुरी तरह फंस चुका है, जिसे सबको मिल के निकालना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, सभी लोग अपने अपने तौर पे कम ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेरा किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि कोई अगर काम कर रहा है तो उसके बीच में टांग ना अड़ाई जाए। उल्टा जो काम दूसरे कर रहे हैं चाहे तो वो खुद भी कर सकते हैं, हमारा तो किसी पे कोई एतराज नहीं है। आज शहर को सबको लेकर मिलजुल कर इंतजामिया के साथ और सारे पॉलिटिकल लीडरों को एक साथ मिलकर, उसमें मुफ्ती साहब भी हों, शेख आसिफ साहब भी हों, यूनुस ईसा फैमिली के भी लोग हों, सभी लोगों ने मिलजुल कर काम करना चाहिए। किसी को फिलहाल इख्तलाफ या सियासी बात नहीं करना चाहिए। शहर में साफ सफाई का निजाम, कचरों को उठाने का जो पैमाना है वो, और दीगर फवारे मशीन, जरासीम कुछ अदविया और जरासीम कुछ पाउडर का छिड़काव को लेकर क्या शहर में कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है? कारपोरेशन तो पूरी तरह फेल हो गई। सवाल ऐसा था कि आज अगर हम कोई बात बोलते हैं तो उसको लोग बोलते हैं कि यार ये सियासी बात करने लगे, ये इल्ज़ाम लगाने लगे, मगर ये सारा शहर देख रहा है ना, हमारा किसी पे इल्ज़ाम है। हम यही चाहेंगे कि पीछे जो गलतियां हुई है वो उसको अब आगे दुरुस्त कर लिया जाए। कॉरपोरेशन ने इससे पहले फायर स्टेशन की गाड़ियां मंगाई फवारने की, वो सिर्फ फोटोबाजी की गई, उसके बाद 2-4 फोटो आने के बाद कहीं फवारने नहीं हुई। हम हमारे वार्ड में फवारने करने के वास्ते 3-4 दिन तक ऑफिसरों को फोन करते, उन तक जाते तो बड़ी मुश्किल से 3-4 रोज के बाद फवारनी होती, और साफ सफाई का निजाम भी बहुत बिगड़ा हुआ है। हम ये भी समझते हैं कि हंगामी हालात है, थोड़ा बहुत समझ बूझ के करना पड़ेगा, मगर कारपोरेशन जो है कोई उसके पास ऐसी तैयारी नहीं थी जिसकी वजह से फौरी तौर पे फवारनी या जो रेड जोन घोषित किया गया है वहाँ आकर वो इंतजामिया कोई ऐसे काम काज करे कि आवाम मुतमईन हो, ऐसा कोई काम कारपोरेशन की तरफ से नहीं किया गया आज के मौजूदा हालात।